तो कैसे हैं आप लोग? आज हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वाड गेम। सो गाइज, आप लोग नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि इस गेम में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज, ये एक फ़िल्म आई थी अभी कुछ एक आध दो साल पहले, बहुत ही ख़तरनाक मूवी थी जहाँ पर लोगों को जो है गेम के बहाने जो है उनको गेम खिलाया जाता था और उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो हम वही गेम खेलने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप लोग दिल के मरीज हो तो इस गेम को बिल्कुल भी ना खेलिए, बिल्कुल भी ना देखिए मेरी इस वीडियो को, और हो सकता है कि आप लोगों की आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाए। सो गाइज, आप लोगों को ये गेम देख के आप लोगों के दिमाग के तार हिलने वाले हैं। और हम यहाँ पर जो है अभी जो खेलेंगे चैप्टर वन, इसमें डेबी एंड सारा जो है हाइकिंग के लिए जाएंगे और इसमें हम जो बने हुए हैं सारा बने हुए हैं। सो गाइज, हम बिना देरी करते हुए जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर हमें दिखा चुका है 3 डेज फ्रॉम नाउ। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। और ये क्या कंडीशन है भाई, ये एक तरह का मतलब टॉर्चर रूम है और यहाँ पर आ चुका है वही साइको किलर, और ये जो हमें है बहुत ही अजीब अजीब तरीके से गेम खिलाने वाला है। और यहाँ पर जो है गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, रेडी फॉर आवर हाइकिंग। मैंने अपनी फ्रेंड को जो है हाय बोला और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। बट ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ लकड़ी के इसको तोड़ना था, पता नहीं क्यों तोड़ना था, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। और ये क्या हो गया, ये हम अचानक से रात हो गई और ये कहाँ आ गए? ये पेपर क्या है, टैप टू कंटिन्यू। और इस गेम की, बाप रे, इस गेम की जो म्यूज़िक है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस गेम को मैं अभी जो है रात में खेल रही हूँ तो मुझे तब भी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है तो अभी मैं जो है अपनी हथकड़ी को काट रही हूँ और मैं अपने हाथ देख रही हूँ कि मेरे हाथ सही सलामत तो है ना। ये क्या हुआ, ये टीवी कहाँ से चालू हो गई? मतलब ये गेम जो है टॉर्चर रूम होने के साथ साथ जो है हॉरर गेम भी है। और यहाँ पर हमेशा की तरह फिर से वो आ चुके हैं एड्स। सो गाइज, अभी हमें इसके बाल भी काटने हैं, लेकिन अभी मुझे बाल काटने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे अपने गेम पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा ऐड ही चल रहा है तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, कट कर दो इसको, हो जाओ कट। ओके, ये बार बार ऐड आते हैं ना, मेरे सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो गाइस, यहाँ पर अचानक से जो है टीवी बंद हो चुकी है, सॉरी चालू हो गई थी। और ये क्या हो गया, ये मास्क वाला आदमी कौन है? लेट्स प्ले अ गेम, ये मुझसे बोल रहा है कि आप लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ होने वाला है स्क्वाड गेम की तरह गेम। और यहाँ पर मुझे इसको फिक्स करना है टायर को, मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। और यहाँ पर जो है ये भूत का दरवाज़ा खुल चुका है, हॉरर हाउस का दरवाज़ा खुल चुका है। यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या कुछ होगा। बाप रे, ये कौन बंदे भाई? तो यहाँ पर हम चलते हैं भैया साइड में, मुझे अंदर नहीं जाना, वहाँ पे मैं चलती हूँ साइड में। और यहाँ पता नहीं किस किस की फ़ोटो लगी हुई है, बुड्ढे ठुड्डू की, क्या पता यार। सो गाइज, अभी मुझे यहाँ पे सीधा चलने के लिए कह रहा है, लेकिन अभी मुझे सीधा चलने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना, गाइज बताओ कहाँ जाऊँ मैं, सीधे जाऊँ या उल्टा जाऊँ? मैं सीधे ही चलती हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर नीचे तो पड़ा हुआ है ब्लड बहुत सारा, मैंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया लग रहा। ये वॉशरूम है शायद, आई थिंक सो, यहाँ बेसिन लगे हुए हैं। पर्दा खोलूँ कि नहीं खोलूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चलो मैं खोल ही देती हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड यहाँ पर कुछ नहीं है। व्हाट द हेल, वो ब्लैक कलर की कैट मुझे देखी, मुझे बहुत डर लगा। सो गाइस, इसको हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए टॉर्च को? सो गाइज, अगर हम टॉर्च को लेना चाहेंगे तो मुझे ऐड देखना पड़ेगा, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी मुझे यहाँ पे टॉर्च मिल चुका है, क्या पता किसी ने मुझे गिफ्ट कर दिया है टॉर्च। और अभी मैं यहाँ पे आगे चल रही हूँ और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता दिख रहा है मुझे, बहुत ही भयानक। यहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे भी गई, ऊपर भी गई, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं चलती हूँ बेसमेंट में, मैं जाना पसंद करूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादातर मैंने हॉरर मूवीज़ में देखा है बेसमेंट में जो है भूत बहुत सारे रहते हैं, भयानक भयानक। तो अभी यहाँ पे फिर से ऐड आ चुका है, क्या होगा यहाँ पे नहीं पता मुझे। चलो मैं इसको इसको मैं स्किप कर देती हूँ, ये ऐड को स्किप कर देती हूँ। यार गाइज, आजकल ये हर गेम्स के बीच में इतने इतने सारे ऐड डाल देते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खोटी होता है, बहुत ज़्यादा यार। चलो
तो फिर उसके बाद मैं अब मैं आ गई हूँ बेसमेंट में, और बेसमेंट में मुझे बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही हैं, और यहाँ पर कोई आ गया है। तो मैं ये टेबल के नीचे चढ़ जाती हूँ यहाँ पे जल्दी से। कौन था वो भाई? मैंने टॉर्च जला के देखना चाहती, कौन है भाई? कोई तो है, कोई तो है भाई, कोई तो है। ये कौन है भाई? ये वही साइको किलर है, आई थिंक सो साइको किलर। उसको कितनी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, बाप रे कितनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है वो। सो गाइस, यहाँ पर हमारा डे थर्ड हो चुका है, और अब मुझे यहाँ पर जो है पज़ल को थोड़ा सा मैंने करना पड़ेगा सॉल्व। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे एक्सेस हो गया, यहाँ पे ये डोर जो है वो खुल चुका है। अब अंदर देखो क्या होता है। लेकिन मेरी दिल की धड़कन आप सुन सकते हो, और मुझे यहाँ पर किसी ने कैद कर लिया। ये मैं हूँ या अच्छा मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ जो आई थी ना, ये वही फ्रेंड है। तो इसकी में जो हथकड़ी है, इसकी जो हथकड़ी है, मैं टॉर्च से खोलना चाह रही हूँ। फाउंड मी, वेयर इन हेल आर वी? क्या हम नर्क में हैं? वो मुझसे पूछ रही क्या हम नर्क में हैं। सो गाइस, मैंने उसको बचा लिया है, मैंने उसको वहाँ से छुड़ा लिया है। अब मैं यहाँ टॉर्च लेके चल रही हूँ, और मैं आगे आगे चल रही हूँ, क्योंकि अब मैं ब्रेव गर्ल बन चुकी हूँ। तो मुझे उसको कैसे भी करके सेव करना है, और ये कैसी चल रही है, भूतों जैसे। सो गाइस, ये क्या हुआ? मैंने उसको छुड़ाया, वो फिर से कोई उसको लेके चला गया। सो गाइस, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, मुझे देखना है कि वो मुझे मेरी फ्रेंड को कहाँ लेके गया है। गाइस, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये दरवाज़ा खोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही। अंदर से आप सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही है। ये स्क्वेड गेम जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक गेम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा भयानक। यार मैं क्या करूँ ये इसका ऐड का? अब मैं इस गेम के लिए कम अपनी ये गेम तो खरीद तो सकती नहीं हूँ, तो मुझे ये ऐड देखने ही पड़ते हैं। ये क्या हो गया यार? हद है, हमें नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है, तो फिर भी ज़बरदस्ती है क्या? अभी जो गेम खेलना है वो सफिशिएंट नहीं है आप लोगों के लिए क्या? उतना तो सफिशिएंट होना चाहिए ना, हद होती है किसी भी चीज़ की। गाइस, ये कौन रो रहा है? My name is X. It's time for a choice. ओ माय गॉड। सो गाइस, उसने मेरी फ्रेंड को जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सी में बांध के रख दिया, और उसके हाथ में वो किलर के हाथ में चेन जो है, और मुझे चॉइस करने के लिए बोल रहा है, आई सेट यू फ्री बट डेबी डाइज। तुम तो बच जाओगे लेकिन डेबीज मर जाएगी, या फिर यू फाइट टिल डेट एंड डेबी लाइव्स। मैं लड़ूंगी भाई, तुमसे लड़ूंगी मैं। मैं उसको मरते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। सो गाइस, अब मुझे जो है ये साइको किलर से लड़ना है, और उसके हाथ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सी एकदम धारदार चेन जो है, तो मैं कैसे इससे लड़ूं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये क्रोबार उठा लेती हूँ, और क्रोबार से उसको मारने की कोशिश करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? उसने एक ही झटके में मुझे मार डाला, काट डाला। यार दैट डिड नॉट गो सो वेल। मैं उसको रिट्राई करना चाहूँगी, और अब मैं क्या करूँ? मैं कुर्सी के नीचे कुर्सी मारूंगी इसको। क्या हो गया? कड़िया? अरे नहीं, सामने नहीं आओ, दूर रहो, स्टे अवे। मुझे इसको पंच करना है, मैंने इसको पंच किया, बहुत ज़्यादा पंच किया मैंने इस मोटे इंसान को, ये गिर चुका है। सो गाइस, यहाँ पर जो है मैंने उसको साइको किलर को, मोटे से साइको किलर को हरा दिया है, और अभी क्रोबार की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैंने क्रोबार वहीं पर ही फेंक दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे एक और दूसरा गेम। मैं इस गेम को जो है आप लोगों को बोलूँगी कि इस गेम को बिल्कुल भी सजेस्ट ना करिए, इस गेम को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करिए जो आप लोगों को सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी पुसी कैट है, और उसको घूम घूम के पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ओ, थोड़ा सा क्यूट गेम है। बिल्ली जो है सब जगह फिर रही है, इधर उधर, यहाँ से वहाँ। सो गाइस, अभी मैं इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे जो है हॉरर गेम ही पसंद है, और मैं हमेशा हॉरर गेम ही खेलना बिल्कुल ही पसंद करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो है अगर आप लोग खेलना चाहते हैं, अगर आप लोग के घर में कोई बच्चा है, तो आप ये वाला गेम कैट एस्केप बिल्कुल ही खेल सकते हैं। सो गाइस, अभी हम चलते हैं अपने गेम की तरफ दोबारा से, और यहाँ पर मुझे एक और डोर मिला है। यहाँ पर अभी मुझे इस डोर को खोलने के लिए इस पज़ल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारा जो है डोर ओपन हो चुका है। चुका है तभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर क्या होने वाला है। अब मेरे सामने कौन सी चीज़ जो है मेरा इंतज़ार कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं अंदर जाऊँ और मुझे ही किडनैप कर लिया जाए उस लड़की की तरह?
मैं नहीं होना चाहती भैया, मैं चैन से नहीं बढ़ना चाहती। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं जो है क्रोबार से इस डोर को खोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैंने क्रोबार से इस डोर को खोल लिया, ये। सो गाइस यहाँ पर हमारा डोर जो है ओपन हो चुका है, लेकिन अभी मेरी हो रही है फटके चार कि ओ गए। यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर। अब बाहर भी जो है मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, बारिश हो रही बहुत ज़ोर से। तो गाइस मुझे यहाँ पे छींक भी आ चुकी है। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं सीधे हाथ की तरफ चलती हुई मैं गड्ढे में गिरी। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल चुकी है एक जीप, मिल चुकी है, मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगी। तो वो बोल रहे हैं कि गेट की, तो मैंने की को तो उठा लिया है और मैंने गाड़ी में भी मैं बैठ गई हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर चलती हूँ, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पर मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, ये। चलो चलते हैं गाइस, मैं साइको किलर से बच गई, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती वाली बात है। हम यहाँ आ चुके हैं पेट्रोल पंप में। ये किसका फ़ोन बज रहा भाई? यहाँ पर इस भूतिया सी जगह में कोई है भी कि नहीं है, या बस मैं ही भटक रही हूँ यहाँ पर? मैं और मेरी दोस्त जो है, मैंने गलती कर दी यहाँ पर आकर, बहुत बड़ी गलती कर दी है, भूल कर भी। अब मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, मैं भूल कर भी ऐसी जगह में नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। इतनी बेदर्दी से मतलब वो लोग मौत दे रहे हैं सबको, मैं कैसे आ सकती हूँ यहाँ पे दोबारा से? सो गाइस यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप के यहाँ पर एक टेलीफोन बज रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इसको उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। चलो उठा ही लेती हूँ। क्या सरप्राइज दे रहा भाई? इसने मेरी कार की टैंक के पीछे कुछ छुपा के रखा है। ओह भैंस की टांग। 1 week लेटर। सो गाइस उसने मेरी कार के पीछे जो है कुछ किसी की लाश रख दी थी, और 1 week लेटर मुझे पता चला कि डेबी जो है मर चुकी है, वो डेबी की लाश थी। ओके गाइस वो स्टार्टिंग में पकड़ के ले गया था, तो उसने इसको मार दिया है। मैंने इसके लिए हार्ट बना दिया है। मैं ये मेरी बहुत अच्छी बचपन की फ्रेंड थी, मेरी लंगोटिया यार थी, और वो जो है वो मर चुकी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। अब ये मुझे बता रहा है 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद। ये कौन है भाई? ये मैं ही तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं तो एक लड़की हूँ, ये तो एक लड़का है। ये कौन है? इसका नकाब हटाओ। कौन था भैया वो साइको किलर? सो गाइस मुझे यहाँ पर साइको किलर का भी नहीं पता चल पाया है, वो पर्दाफाश नहीं हो पाया है। मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी और मैं उन लोगों को कैसे भी करके गिरफ्तार करवाऊंगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है वो चालू हो गया है, जिसमें हमें एक समर कैंप में जाना है, और यहाँ पे हम 6 लोग जाएंगे, और इसमें से हम जो है बिली है, ठीक है, बिली है। तो हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा हो चुका है day 1, और day 1 में अभी मैं यहाँ पे खेल रही हूँ एक गेम, और यहाँ पर फिर से आ चुका है एड। बहुत ही अजीब एड है, बहुत ही उल्टीदायक एड है, ये गेम भी बहुत ख़राब है ये वाला, मतलब कुछ भी। आजकल ऐसे ऐसे गेम बनाए लोगों ने कि मतलब जिनका कोई सेंस ही नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस गेम बना रहे हैं आजकल लोग दिमाग का दही करने के लिए, और ऐड में और डाल देते हैं इन लोगों को, तो और दिमाग का दही हो जाता है, कचूमर बन जाता है दिमाग का। सो गाइस यहाँ पर मेरा एक न्यू मैसेज आया है, आई वांट टू विजिट माय लेक हाउस फॉर समर। ये एनवी का आया है कि मुझे समर कैंप के लिए जाना है एक हाउस में। तो मैंने बोला हेलो या, ठीक है चलते हैं। ओके ओनली इफ़ डेविड कम्स टू गिव मी अ फूट मसाज। बाप रे कितनी अश्लील लड़की है, फूट मसाज के लिए बोल रही है। विल यू कम बिली, आई विल गिव यू डेट किस। अच्छा किस देगी? ऑसम, सी यू ऑल सून। ओके टैप टू कंटिन्यू। हम लोग एक समर कैंप में जा रहे हैं, तो हम लोग का डिसीजन हो चुका है कि हम लोग समर कैंप में जाएंगे, ठीक है। ये ओहो, तभी ये लड़की इसके लिए मर रही थी, इसकी बॉडी देखो कितनी मस्कुलर है। हैवली यू मैड इट। ओके टैप टू कंटिन्यू, हम चलते हैं अपने समर कैंप में, और वहाँ पे हम लोग बहुत ही मज़े करने वाले हैं। और यहाँ पे एक सड़ा सा गेम आ चुका है जो बहुत ही वाहियात सा लग रहा है। बहुत ही वाहियात गेम है।
सो गाइज यहाँ पर जो है ये गेम जो है बहुत ही बेकार लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का गेम है। हटा इसको, हटा 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 हटा, हटा। सो गाइज यहाँ पर हम लोग हैं बॉन फायर कर रहे हैं। कैन यू रोस्ट द मशरूम बिली? ओहो, ये मेरी गर्लफ्रेंड को मशरूम खाने का मन हो रहा है, तो मैं इस मशरूम को यहाँ पे फ्राई कर देती हूँ। बहुत अच्छे से फ्राई कर दिए हैं मैंने इन मशरूम्स को। ग्रेट जॉब बिली। ओके मिस, अब इसका मिस लिली, हम इसका नाम मिली रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं अब म्यूज़िक बजाऊँगी। सो गाइज ये को इसको लड़की को बहुत मज़ा आया, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमारा डेट थर्ड हो चुका है और अभी तक तो हमें किसी ने पकड़ा नहीं है स्क्वेड गेम के लिए, मतलब किसी ने हमें किडनैप नहीं किया है। यहाँ पे मैंने, मुझे लकड़ी काटनी थी तो मैंने इस लकड़ी को काट लिया है। मेरा गेम जो है ये लोग बंद करवा देंगे इतना सड़ा गेम दिखा कर। भैया मैं नहीं खेलना, ये वाला गेम क्यों दिखा रहे हम लोग को, ये वाला गेम नहीं देखना है। बहुत ही वाहियत गेम लग रहा है ये मुझे बहुत ज़्यादा। हटा। सो गाइस अभी जो है मैं एक रूम में आ चुकी हूँ। हाउ डज वुड इवन बर्न? ये जो वुड है वो कैसे बर्न होगी? वन ऑफ दिस, What was that? It came from upstairs. अब हम लोग जाएंगे सीढ़ियों के ऊपर, मजा आएगा मजा आएगा। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। लेकिन ये क्या है? Evil nun? यहाँ पे नन लोग भी पल रहे हैं क्या? यहाँ पे नने भी पल रहे हैं, यहाँ पे नने भी पल रहे हैं। ये क्या था? हम लोग बेडरूम की तरफ जा रहे हैं लेकिन बेडरूम में क्या है? ये क्या हो रहा है? 7 बजने वाले हैं अभी, 7 बजने 5 मिनट में। और ये काफ़ी बार बेडरूम और की किसकी लाश पड़ी है यहाँ पे? ये वही साइड की लड़की लाश पड़ी हुई जो हमें स्टार्टिंग में चैप्टर वन में दिखाया गया था। इसका मास्क अब मैं हटाऊंगी, तो इसका मास्क जो है अब हट जा। ये क्या? थैंक गॉड इट्स गॉट प्रैंक, इट्स अ प्रैंक मैन, इट्स अ प्रैंक। मैं सोची कि वही चैप्टर वन में जो साइको किलर था वो वही था, बट हम लोग गलत थे। वो साइको किलर नहीं था, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसने मुझे बुलाया था बेडरूम में, बट उसने मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया। अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया, बहुत ही घटिया मजाक किया उसने मेरे साथ। अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली चाहे कुछ भी हो जाए। You need 300 soldiers. Can you do it? अच्छा सच में? सो गाइस अभी हमारा जो है ये एड जो है जाओ भाड़ में, यहाँ पे हमारा डे 4 हो चुका है समर कैंप में। हमें 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे जो है एक बड़ी सी फिश हाथ में आई है, तो मैंने इसको निकाला था एक तालाब में से और मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और मैंने अब सबको सर्व भी कर लिया, हम लोगों ने खा लिया है। अब मैं यहाँ पर एक नीग्रो से बात कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे अचानक से आवाज़ आई। और ये क्या, ये अचानक से कैसे किसी वॉशरूम से शायद बाहर निकली होगा? टॉयलेट की फ्लैश में से वो इतनी बुरी गिरी कि वो मरी गई। ये किसी की कुछ ना कुछ चाल है गाइस, कुछ ना कुछ तो चाल है यहाँ पे, किसी ने कुछ करके रखा होगा तभी इस वजह से वो लड़की जो है प्रेशर की वजह से गिरी नीचे आके। बेचारी मैं उसको बचा नहीं पाया, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार तरीके से वाली मौत मिली है। किसी ने कुछ करके रखा होगा, उसका पूरा प्रेशर उस पर आ गया टॉयलेट के उसमें। सो गाइस इसमें हमें बता रहा है आई एम सो स्केयर्ड बिली, हाउ डिड शी डाई? वो कैसे मर गई? तो मैंने उससे बोला शी वॉज अ मर्डर, डोंट वरी यू कैन स्लीप विथ मी टुनाइट। सो गाइस मैं ये सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करने जा रही हूँ। ओके आई वुड लाइक दैट, चल चलो चलते हैं, चलती है क्या 9 से 12? सो गाइज यहाँ पे हमारा हो चुका है डे 5 और डे 5 में अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। सो अभी मैं इस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में खड़ी हुई हूँ
खड़ा हुआ हूँ सॉरी। सो यहाँ पे मुझे ये बोल रही है कैन यू गेट वाटर एट द लेक विथ ब्रियान, ये मुझसे पानी मंगा रही है, मुझे पानी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा और ये जंगल जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक सा लग रहा है। और ये मेरी बॉडी देखो, बाइस से बैक देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो मैंने कितनी मेहनत की हुई मेरे लेग्स भी। ओह माय गॉड, अ पॉप एंड कैंडल, आई लव दिस गेम, आई कैन मेक अ कैंडल आउट ऑफ एनीथिंग, वेट ब्लू, नो आई वांट रेनबो, रेनबो जस्ट लाइक माय। सो गाइज यहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पानी लेने जा रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है भैया, मैं जब आगे चल रही हूँ ये पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, ये कौन आ गया मुझे भाई, मतलब इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ये पानी में तैर रहा है, इतना मोटा हैवी इंसान तैर गया, बताओ भला। सो गाइज अभी जो है मुझे जो है ढूंढना पड़ेगा कि वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कहाँ चला गया, खोजती हूँ मैं उसको। मैं अभी चलती हूँ राइट की तरफ, राइट की तरफ मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, क्या है, कितना घना भयानक जंगल है गाइस, बहुत ही भयानक जंगल है। यदि यहाँ मुझे वो जा रहा है हाइड ना, मुझे यहाँ पे जो है छुप जाना चाहिए, झाड़ियों के पीछे मैं छुप जाती हूँ और झाड़ियों के पीछे छुप के मैं उसको देख रही हूँ और मुझे अपनी ब्रीथ जो है वो होल्ड करनी है, नहीं तो मुझे ये मार डालेगा, जो भी है लड़का या लड़की वो मुझे मार डालेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी ऑक्सीजन जो है वो दबा के रखती हूँ, वो थैंक गॉड यहाँ से जा चुका है, अब मुझे बहुत सुकून लग रहा है, सुकून की सांसें मैं यहाँ पर ले पा रही हूँ। सो गाइस मैंने इस गेम को जो है स्किप कर दिया है, गाइस वो यहीं पे अभी भी यहीं पर ही भटक रहा है, मैंने उसको एक पत्थर फेंक के मारा वो भागा मजेदार गेम था। सो गाइस अभी मैं एक खिड़की से झांक रही हूँ जहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कोई इंसान, वो कौन साइको किलर है क्या, साइको किलर के साथ ये नीगरो भी मिला हुआ था और वो कैसे आ रहा है छुपके, कितना ज़्यादा वो खुश हो रही है। मैं इस गेम को कंटिन्यू करती हूँ, अभी कहीं और से आवाज़ मुझे आई, कोई और भी मर रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा कोई और भी घुस गया है यहाँ पर, कोई और भी घुस गया है यहाँ पर, मुझे उससे बचाना पड़ेगा कैसे भी करके। मुझे अपने छों के छह फ्रेंड्स को बचाना है कैसे भी करके, मैं उनके बचा के रहूँगी, मैं उनको यूँ ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने सारे फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सुबह यहाँ पर जो है मैं उसको साथ देने के लिए आ गई हूँ और अब यहाँ पर मैंने ये भूत कहाँ आ रहा है, मैंने उसको खोप पर दरवाज़ा लगा दिया है और मैंने टेबल पर रख दिया, वो कोई नहीं आ सकता, आई थिंक सो ये नन की आत्मा है, मैं समझ गई यहाँ पर ये लड़की कितनी ज़्यादा काली लग रही है और यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं किसी की, ये बोल रही है यू नीड टू हेल्प हर बिली, मुझे मदद करनी चाहिए बिली की, तो मैं मदद तो करूँगी ना बिली की, बिली को मेरा बहुत फोन खत्म करूँगी और ये जो नीगरे इंसान को उसने मारा था ये वो है, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ जाने की, मैं कैसे जाऊँ, यहाँ पे दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हो चुका है, मुझे दरवाज़ा यहाँ पे खोलना है, मैंने उस दरवाजे को खोला, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, बस नीचे जाने में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मैं नहीं जा रही नीचे मुझे यहाँ पर कुछ मिला है उठाने के लिए, तो मैं कौन सा उठाऊँ, मैं ये वाला डंडा उठा लेती हूँ नॉर्मल सा, नहीं तो वो उठाती तो मेरे को फिर से ऐड देखना पड़ता है और वैसे भी देखना ही पड़ रहा है मुझे फिर से, हमेशा की तरह मुझे यहाँ पर ऐड देखना पड़ रहा है। इस गेम को मैं स्किप कर देती हूँ, ऐड कैसा गेम है ये कठपुतली वाला, तो
गाइस इस गेम में आ गया है अभी एक दरवाज़ा, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा और ये पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ पज़ल है ये वाला, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ शायद मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ इसमें, क्या करूँ मैं इसको इधर से घुमा के लेके आऊँ क्या। ओके गाइस, यहाँ पर मेरा जो है पजल सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब देखो दरवाजे के अंदर मुझे क्या मिलता है। मैं डंडा लेके तो जा रही हूँ, लेकिन डंडे से भी कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं मुझे, अंदर जाकर ही ये किसके साथ मिली हुई है? मैंने बोल दिया गेम ओवर एनवी, तुम अपने और जिंदा रह सकते हो। साथ में अभी हम जिसके साथ चल रहे हैं वो ब्रेन ही है। बड़ा धोखा, अच्छा नहीं किया भाई तुमने ये। सो गाइस, मैंने उसको मार दिया है और मैंने उसको जो है कैद कर दिया है, और अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे साथ। वैसे अच्छी पड़ी तो थी उसको, मैंने अच्छा मारा था डंडा उसको, रोबोट। सो गाइस, अभी मुझे यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ेगा तैरा तैरा के। ये मेरी एक और फ्रेंड बच गई है, इसको मैं सही सलामत घर तक पहुँचाऊँगी कैसे भी करके। इतनी ज़्यादा काली हो रखी है यार, बहुत ही ज़्यादा काली। आई थिंक ये नींद्रो की वाइफ थी, अब नींद्रो तो मर गया, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। मेरी टू डेज फ्रॉम नाउ, आज के दिन से दो दिन बाद किया हमने कहानी बता रही। ये क्या हो रहा है भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये बीच में से कटने वाली है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर टू जो है वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर टू में हमें ये बताया गया था कि वो जो लड़की को हम छोड़ने जा रहे थे वो फिर से किडनैप हो चुकी है, ठीक है। ये अभी कहानी जो है अभी पूरी नहीं हुई है, ये चैप्टर जो है अभी पता नहीं कहाँ तक चलेगा। सो गाइस, चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सबसे डरावना पार्ट कौन सा लगा। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।